एक अच्छी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म वो मानी जाती है जिसमें आप भी मुख्य किरदार के जितना उसके बराबर का भयभीत महसूस करें। आपको ऐसा लगना चाहिए कि इसकी जगह अगर मैं होता तो मैं ये कर सकता था। उसको अपनी ज़िंदगी और मौत का डर लगता है और साथ ही साथ आपको भी बराबर का डर लगता है। आप भी उसकी बाहर निकलने में मदद करना चाहते हैं। उस तरीके के सिनेमा में जब आप एंग्रॉस हो जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप सिनेमा हॉल के अंदर बैठे हैं, और इसका श्रेय फिल्म के क्रिएटर्स को और फिल्म के एक्टर्स को दिया जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ सालों पहले जब नीरजा रिलीज हुई थी। एक व्यक्ति ने नीरजा देखकर ये कहा था कि मैंने बाथरूम जाने के लिए परमिशन लिया फिल्म के बीच में, क्योंकि मैं जिम सर्व की परफॉर्मेंस से इतना डर गया था। अब वो तो परफॉर्मेंस थी जिम सर्व की। क्या जानवी कपूर ऐसी ही अच्छी परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस कर पाएंगी अपनी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म मिली से? आइए देखते हैं। एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मिली एक यंग पैशनेट लड़की है जो विदेश जाना चाहती है, जिसके लिए वो अपने आइल्स की प्रिपरेशन कर रही है। घर में सहायता करने के लिए वो देहरादून के ही एक लोकल रेस्टोरेंट जो एक मॉल में बना है, दून्स किचन नाम का, उसमें वो काम करती है। अब एक दिन वो दून्स किचन के रेफ्रिजरेटर में गलती से लॉक हो जाती है, जिसे हम कोल्ड स्टोरेज भी कह सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? क्या मिली वहाँ से कभी बाहर निकल पाती है? अंदर वो कैसे सर्वाइव करती है जहाँ टेम्परेचर हर घंटे में माइनसेस में जा रहा है, लाइक -15, -16, -17? तो ऐसे में वो कैसे सर्वाइव कर पाती है, ये कहानी है फिल्म मिली की। ये फिल्म 2019 की मलयालम फिल्म हेलेन का रीमेक है। उस फिल्म को भी माथुकुट्टी जेवियर ने बनाया था और इस फिल्म को भी उन्होंने ही बनाया है। मैंने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है तो ये वीडियो कंपैरिजन फ्री होने वाला है, बट जितने रिव्यूज़ और जितनी कहानियाँ मैंने इस फिल्म के बारे में सुनी हैं, उसमें कहा गया है कि माथुकुट्टी जेवियर ने फ्रेम टू फ्रेम मिली को कॉपी किया है हेलेन से। इसमें मुझे एक छोटी सी शिकायत है। जब भी कोई आर्टिस्ट कोई काम करता है, चाहे वो कोई एक्टर हो या डायरेक्टर हो, उसके अंदर हमेशा वो फीलिंग रह जाती है कि यार मैं इस चीज़ को उससे बेहतर कर सकता था। तो अब मिली में जब माथुकुट्टी जेवियर को वो चांस मिला था एक बार अपने काम को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने का या रीवैम्प करने का, तो उन्होंने इस चीज़ को क्यों एक मौके की तरह नहीं देखा और फ्रेम टू फ्रेम फिल्म को कॉपी किया? हालांकि ये कहना मेरा गलत होगा क्योंकि मैंने ओरिजिनल नहीं देखी है, तो पहले मैं ओरिजिनल देखूंगा और फिर बाकी रिव्यूअर्स की इस बात से सहमति दिखाऊंगा। अब आते हैं मिली पर। मिली की कहानी अच्छी लिखी गई है। जितने भी सीन्स फ्रीज़र के अंदर दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं, वो सारे ही सीन्स अच्छे, यूनिक और नए लगते हैं। हमने ऐसे सीन्स कभी नहीं देखे। पर एक दिक्कत ये रहती है कि जैसे ही आप उन सीन्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, हम एकदम से फ्रीज़र के बाहर की दुनिया में आ जाते हैं। और फ्रीज़र के बाहर की दुनिया क्या है? फ्रीज़र के बाहर की दुनिया में एक हेल्पलेस पिता है, एक क्लूलेस बॉयफ्रेंड है जिनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जिनको रोक रहा है एक मॉरली करप्ट पुलिस ऑफिसर, जिसके पास कोई ठोस मोटिव नहीं है इस केस की इंफॉर्मेशन को अपने पास रखने का, लेकिन बस वो एक रुकावट का काम करता है, एक अड़चन का काम करता है। शुरू शुरू में वो ठीक लगता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको रियलाइज़ हो जाता है कि मेकर्स ये जानबूझकर कर रहे हैं ताकि वो फिल्म को थोड़ा और लंबा खींच सकें, और ये फीलिंग आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। फिल्म जानवी कपूर पर रिलाय करती है और काफ़ी सीन्स में जानवी कपूर का काम अच्छा है। जानवी कपूर की परफॉर्मेंस हिट और मिस है। हाँ, जो फ्रीज़र के बाहर वाले सीन्स हैं उसमें जानवी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फ्रीज़र के अंदर वाले कुछ सीन्स में एक पॉइंट के बाद उनकी परफॉर्मेंस बहुत रेपिटेटिव हो जाती है, और आपको लगता है कि जब कोई इंसान इतनी ठंड में रह रहा है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कर सकता। जिन सीन्स में वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, वहाँ उनका कुछ नवीनता देखने को मिलती है, बट उनका एक ही तरीके से कांपना और एक ही नोट पर उनकी एक्टिंग का चलना, वो थोड़ा रेपिटेटिव हो जाता है। पर कहना पड़ेगा कि जानवी कपूर जिस तरीके की फिल्में साइन कर रही हैं उसके लिए उन्हें सराहना मिलनी चाहिए, और जानवी कपूर बहुत दूर नहीं है एक पिच परफेक्ट परफॉर्मेंस देने से, तो जानवी कपूर को ऐसी और फिल्में साइन करनी चाहिए। मनोज पाहवा जी का काम बहुत ही अच्छा है। जितने भी सीन्स में वो आते हैं आपके फेस पर एक स्माइल छोड़ कर जाते हैं। अनुराग अरोड़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन उनके रोल में वो पूरा कंप्लीट ब्लैक रोल है, उसमें कोई भी
ग्रेट टोन नहीं है, वो कम्प्लीटली एक डार्क रोल है जिसका कोई खास इम्पोर्टेंस या जिसकी कोई खास वैल्यू नहीं लगती है। सनी कौशल ने भी काम अच्छा किया है बट उनके पास करने के लिए कुछ खास है नहीं। एक स्पेशल अपीयरेंस में जैकी श्रॉफ आते हैं और अपनी स्टार वैल्यू ऐड कर देते हैं। संजय सूरी भी हैं इस फिल्म में और उनका रोल भी काफ़ी अच्छा है और उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। फिल्म की एक और दिक्कत है इसका रन टाइम। फिल्म तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट लंबी है। अगर फिल्म 30 मिनट छोटी होती, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फिल्म बोरिंग कभी नहीं होती, बट हाँ अगर फिल्म 30 मिनट कम होती, 1.5 घंटे की फिल्म होती तो आपको और भी मज़ा आता, क्योंकि जो बाहर के सीन्स हैं वो बहुत रूटीन हैं, बहुत ही रूटीन सा प्री क्लाइमैक्स है और बहुत ही ज़्यादा बचकाना क्लाइमैक्स लगता है। क्लाइमैक्स में आकर आपको लगता है कि इतनी सीरियस टर्न वाली फिल्म ऐसे ही हास्यात्मक तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती और ऐसे ही सबको डिसमिस नहीं किया जा सकता, मतलब बातों ही बातों में सबको खारिज कर दिया सबकी बातों को। वो मैं स्पॉयल नहीं करूँगा बट आपको एक फीलिंग ज़रूर आएगी कि क्लाइमैक्स से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, और प्री क्लाइमैक्स में एक इत्तेफाक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा इत्तेफाक असलियत में अच्छे लगते हैं बट फिल्मों में इत्तेफाक अच्छे नहीं लगते। एक सीन में सनी कौशल किसी से फ़ोन मांगते हैं कि तू अपना फ़ोन दे, मुझे कॉल करना है, और वो लड़का कहता है कि मेरा फ़ोन मेरे कमरे में है। अब उस सीन में 4 और लोग खड़े थे, सनी कौशल किसी का भी फ़ोन मांग सकते थे, लेकिन वो अपनी बाइक को सबसे हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल में चला कर जाते हैं एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग उसके बाद क्या होता है जब कोई तेज़ गाड़ी चला। सारांश में ये कहूँगा कि मिली एक अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखी तो आपके पास इस फिल्म में देखने के लिए बहुत कुछ है। आपको ये फिल्म बांध कर रखेगी, एंग्रॉस करेगी। हाँ, जैसे ही आपका इंटरेस्ट फ्रीज़र के अंदर बनेगा वैसे ही फिल्म बाहर ज़रूर ले आएगी, पर फिल्म आपको बोर कभी नहीं करेगी। और अगर आपने ओरिजिनल फिल्म हेलन देखी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द फ्लिक एडिक्ट को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें, लाइक करें। मेरा नाम है नवजोत, फिर मिलेंगे।